प्रेम प्रकाश आश्रम में संचालित बाल संस्कार शिविर का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान शिविर में भाग लेने वाले सिंधी समाज के बच्चों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर शिविर में आए बच्चों को सर पर टोपी लगाई गई। देवनानी ने कहा कि इस शिविर के दौरान सिंधी समाज के बच्चों को हिंदी भाषा के इतिहास की जानकारी दी गई और साथ ही साथ हिंदी भाषा के विकास को लेकर चर्चा की। हाँ बस अजमेर में सिंधी भाषी विद्यार्थियों अपनी भाषा को जानें, अपनी भाषा को समझें, अपनी भाषा को बोलें और साथ में जीवन के अंदर उनके संस्कार आएं, इस दृष्टि से अजमेर शहर के अंदर भारतीय सिंधु सभा और अन्य सहयोगी संगठनों के माध्यम से आज 9 बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया है। आज मैं दिल्ली गेट के शिविर में गया, वहाँ बच्चे बड़े प्रेम से भाषा सीख रहे थे और इसके साथ साथ भाषा के साथ सिंधु का इतिहास वो लोग जाने, अपनी भाषा पे और सिंधियत पे गर्व की अनुभूति करें और प्रेरणादायी जो सिंधी संत हैं, जो सिंधी महापुरुष हैं और सिंधी वीर हैं जिन्होंने काफ़ी संघर्ष में आज़ादी के आंदोलन से लेकर के सारे संघर्षों में अपना बलिदान दिया है, ऐसे सबको जान करके हम एक सुखद अनुभूति करें, इस दृष्टि से शिविरों का आयोजन किया है। सवेरे वहाँ पे हमारे सिंधु सभा के जो जिला अध्यक्ष हैं मोहन जी तुलसियानी, संगठन मंत्री हैं मोहन जी कुरवानी और वहाँ के जो परमानंद शास्त्री, जो हमारे वहाँ के संत हैं और साईं ओम जी साईं, इन सब का शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं समझ रहा ऐसे शिविर निश्चित रूप से अजमेर के अंदर जहाँ अपनी पुरानी भारतीय संस्कृति और परंपराओं के ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे और